उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। देश विदेश से श्रद्धालुओं का धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचना भी शुरू हो गया है। यात्रा सीजन में भीड़ बढ़ने के कारण जाम के हालात बनने लगे हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड समेत कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। साथ ही व्यापार मंडल के व्यापारियों को अतिक्रमण नहीं करने की भी हिदायत दी गई। अब चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और हमारे तीर्थयात्री दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। उनको हमारे पास शिकायत भी आ रही थी कि जाम की समस्या आ रही है, तो ई रिक्शे और जो ट्रेवल एजेंट हैं वो गाड़ियाँ बाहर लगाए थे, तो उनके खिलाफ़ आज कार्रवाई की गई है। और जो ठेले वगैरह लगे हुए थे, अतिक्रमण कर रहे थे, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की गई है। जो दुकानदार हैं जो बाहर की तरफ ठेले या अन्य वस्तु लगाए थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और उनको सचेत भी किया गया कि भविष्य में इस पे ध्यान रखें, क्योंकि अब हमारा यात्रा सीजन पीक सीजन अब शुरू हो गया और हरिद्वार में यात्रियों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहेगी।